तो आज वंदना जी काफी खुश होंगी क्योंकि इनके कहने पे मैंने ये टीवी खरीद लिया है और इनको प्रवचन सुनने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो बोली कि हम बस प्रवचन सुनने के लिए टीवी ले रहे हैं। तो मेरा भी इच्छा था कि हमारे घर में स्मार्ट टीवी हो, तो मैंने अपना स्मार्ट टीवी जो इच्छा था वो पूरी कर लिया और वंदना जी का भी इच्छा पूरा कर दिया मैंने। कैसा लगा जी आपको? अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ऐसे सब कुछ धीरे धीरे दिलाते रहिए। भोलेनाथ की कृपा है तो, और हमारी YouTube फैमिली की कृपा है तो सब कुछ हो जाएगा। कृपा है और बाबा ने मुझे जो दिया, जहाँ से मैं सुनती थी, जहाँ से मुझे भला हुआ, हमारे घर में सबसे पहले मुझे वही चीज दिया। क्या दिया? टीवी दिया। टीवी द्वारा उनको हमने देखा था ना, सुना था ना। सही कह रही हूँ। उनको टीवी द्वारा सुना था, तो वही बोले बाबा तुम जहाँ से देख रहे, जहाँ से तुम्हारा भला हो रहा है, पहले मैं आपको वही देता हूँ। और हमारी YouTube फैमिली को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी जो है अच्छे अच्छे नॉलेज देते हैं, बताते रहते हैं कि ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, ऐसे प्यार बनाते रहिए और भगवान किसी का नजर न लगे। आप लोग हमको एक दो तीन दिन से बहुत प्यार दे रहे हैं और मैं जब प्यार मिलता है, देखो एक ज्यादा किसी को प्यार भी मिल जाता है तो भी इंसान खुशी के आंसू में रो देता है, नहीं मिलता है तो भी रोता है। कहते हैं ना, जहाँ जहाँ एक मिलता है तो भी रो देता है, जहाँ आधा मिलता है तो भी रो देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का ऐसे प्यार सपोर्ट हमेशा बना रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। और क्या बोल सकते हैं, दिल से धन्यवाद। तो यहाँ शाम का क्लिप है, टीवी ले आने के बाद हम यहाँ साग सब्जी, टीवी ले आने की खुशी में सब्जी काट रहे हैं। खाना बनाना है तो खाना ही बने, खाना है तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, खाना है तो बनाना पड़ेगा। कल जब सुबह पानी आया था तो क्या बोलते हैं, ये पूरा हमने पूरा घर की साफ सफाई, ऊपर से पानी जहाँ जहाँ पूरा डब्बे भर के रखे सब, उसको मैंने कहा जिस माजा धोआ, बाथरूम की बाल्टी वगैरह। तो जब हम नहा धोकर आई पूजा पाठ करने के बाद, तब भी हम खुल के लाइटिंग बाथरूम को साफ किया। वो खाना बना रही थी, तो इंसान एक लोग या खाना बना रहे या एक लोग घर का काम, ये भी तो एक काम होता है। मैं भी तो अपना काम धाम छोड़ के आया, घर का काम में लग गया, पाइप टूटा था उसको बनवाया, टीवी दिलवा दिया। अभी कल भी काम है लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा, ये अपना करवाएंगी। हाँ बोलो। तो उसमें याद है, अरे शायद कल वो आटा सान की रोटी बना ली थी, कमेंट आया थी बंदा जी, तो आटा सान सकती थी, हमने उनको आटा गूंथने के लिए नहीं बोला था। रोटी तो हमेशा जब से ओपनिंग में थी तो हम ही बनाते थे। हाँ, जब हम गांव गए थे तब अम्मी भले रोटी बना रहे होंगे लेकिन हम ही बनाते थे। अब उन्होंने बना लिया, उनको सही लग रहा होगा। ये तो कहती भी नहीं है कि भैया तुम काम करो, ये देख सकते हैं खुद काम कर रही है, खुद बना रही है, कहती भी नहीं है, अपना काम स्वयं करो। वो कितने दिन है कितने दिन नहीं है, बनाना तो इन्हीं को पड़ेगा ना। भी बीमार रहते हैं, किसी भी हालत में रहते हैं, करते हैं। उनको दो तीन ठो आलू और तो फटाफट खाना बनाते हैं। भूख भी लग रही है क्योंकि धीरे 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 टाइम हो रहा है ना, तो आलू निकाल के दे देते हैं इनको। कहाँ रखा है जी, देते हैं फैमिली। लाइट भी नहीं जल रहा, अंधेरा हो रखा है। दो तीन आलू दे देते हैं इनको फटाक से पहले, ये लो। तो इधर ही अपना खाना पीना बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं और फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर। बने रहिए, ऋषभ तो और परेशान करता है, मिलते हैं। हम किचन में आ गए थे और यहाँ पर हमने गोभी को फ्राई कर रही हूँ। गोभी को जब अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तब आलू मैंने धुल कर रखा है, तो आलू को भी फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने टमाटर मिर्ची काट लिया है, तो मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ और आटे भी गूंथ लिया है, देख सकते हैं, और रोटी बनाएंगे। तो हमारा खाना मतलब डिनर रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद किचन साफ वगैरह करके तब मैं जाऊंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर उसके बाद सबको खाने पीने के लिए दूंगी। फिर उसके बाद अरे रात मतलब कि सब खा पी लेते हैं, फिर एक बार फिर किचन साफ करते हैं। तो इसी तरह हमारा डेली किचन का काम होता है। डिनर बनाने के बाद मैं दो बार किचन साफ करती हूँ। हमारा गोभी फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं, फिर आलू फ्राई करते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे गोभी फ्राई करके बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आइए आप लोग भी खा लीजिएगा, बना नहीं रहे लेकिन बना नहीं है, अभी बना रहे हैं। तो मिलते हैं।
जुड़े रहिए, कुछ टाइम बाद मिलते हैं या कुछ देरिया बाद मिलते हैं। तो एक तरफ हमारा सब्जी भी बन रहा है, रोटी खाने का भी मन था तो हमने सोचा रोटी चेंज करके आज पराठा बनाते, आलू गोभी की सब्जी और पराठा। देखिए पराठा हमारा इधर हो रहा है, इधर इतना आटा है, इधर एक से एक रख लिया है। तो चलिए अब खाना बना लेते हैं, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। खाना बना रहे हैं, खाने क्या है, ये क्या है? आलू गोभी की सब्जी है, पराठे हैं। अगर रोटी खाना तो रोटी बता दो, रोटी तो कुछ रोटी खाने के लिए पराठा चलाया नहीं सब्जी को। क्या बोली खाने के लिए? रोटी। अच्छा, हम भी रोटी खाएंगे। और मेरे लिए अरे हमसे एक देखी तो पापा सूखा भुजिया आलू भुजिया भूसा बनाओ फिर भुजिया और का बोलते कुछ भी पराठा दे खा ले है। तो मेरे लिए ना एक ठो पराठा बना देना। गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो गया है और सबसे पहले आप लोग को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा आपने कल रात को देखा, खाना पीना बनाकर खा पी कर सो गए थे, क्योंकि ना आज मंडे है तो मंडे को सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सुबह 6 बजे उठे थे, सोनाची भी चली गई है और ऋषभ भी स्कूल चला गया है। तो उन लोग को भेजने के बाद 10 मिनट आराम करती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद पानी गर्म लगा दिया है, गर्म हो रहा है, नहाएंगे धोएंगे, फिर पूजा पाठ मंदिर में जाएंगे भोले बाबा को जल चढ़ाने। और आज है चिल्ड्रन डे, तो अगर हमारी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे होंगे तो सारे बच्चे को हैप्पी चिल्ड्रन डे, आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आती रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी ऋषभ का छुट्टी जल्दी हो जाएगा 11:30 बजे, और सोनाची का तो वही टाइम छुट्टी होगा जिस टाइम होता है। फिर यहाँ पर ढेर सारा थोड़ा सा रूम फैला है, उसको साफ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद घर के काम में बिजी हो जाएंगे। आज 2 दिन नहीं आएगा, वो क्या बोलते हैं, आज बाबा का प्रवचन नहीं आएगा, क्योंकि आज 16 तारीख से आएगा वहाँ पर कानपुर में। तो मेरी एक फ्रेंड है कानपुर में, मैं उसको फ़ोन किया था तो हमने बोला कि ये एड्रेस कहाँ पड़ता है, हाईवे GT रोड कल्याणपुरी कानपुर में से कुछ एड्रेस है। तो मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया हम तो वहीं रहते हैं, चलो हम बताएंगे जहाँ पर होगा। तो हम लोग सोचे थे कि कानपुर में हो रहा है, बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चले जाते हैं देखें सुनने के लिए। तो परिदेव से बोल रहे थे कि चलो देखते हैं टाइम मिलता है तो जाएंगे। तो आज हमारा टीवी वाला भी आएगा यहाँ पर, देखते हैं इधर लगाएं कि सामने लगाएं, अगर सामने भी लगवाएंगे लगाए इस वहाँ पर एसी का पानी छूता है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, हम सोच रहे हैं यहाँ पर इस दीवार पर लगाएं। हाँ, और लोग काफ़ी कमेंट पूछ रहे थे टीवी कितने का है, तो टीवी शायद 18,500 का पड़ा हुआ है, और टीवी वाला भी आएगा कनेक्शन लगाएगा। और मैंने न्यू वाईफाई का कनेक्शन ले रही हूँ, जियो का पहले का जो था उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो लगवाएंगे जियो का रहेगा और स्पीड जो भी रहेगा अपडेट देते रहेंगे। अभी तो आएगा सब कुछ सर्च करेगा क्या कैसा नेट चलेगा, तो बिनी भाई लगाए तो उन्होंने बोला कि लगवा लो सही रहेगा, हमने बोला ठीक है। टोटल खर्चा वाईफाई का जो भी आएगा बताएंगे आप लोगों को, टीवी का तो बता दिए हैं। और हमारा थोड़ा बिजली वाला भी आ जाएगा, वहाँ पर जो बोर्ड दिख रहा है उसका कनेक्शन सही करेगा, बोर्ड टूटा फूटा है उसमें बोला है 800 रुपये लगेंगे, पैसे तो खर्चे हो रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, करना बनता है, नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, टीवी अच्छा लगेगा और बोर्ड हमारा ख़राब लगेगा, तो सोच समझ के सब कुछ कराना पड़ता है। किराए मकान में बहुत खर्चा हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या होगा कैसे होगा, बहुत दिमाग डिस्टर्ब है सब। आप लोग प्यार देते रहिए और ऐसे प्यार बनाए रखे रहिए, और हमारे साथ तो आप लोग हैं ही, टेंशन तो नहीं लेना है। और इतना सारा अच्छा अच्छा कमेंट करने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो यहीं से एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सोचिए बंदा जितना सुस्त क्यों बोलती हैं, सुस्त बोलते जब इंसान के ऊपर इतनी सारी
एकाएक कुछ प्रॉब्लम होती है तो दिमागी काम नहीं करती है, फिर भी ब्लॉग बनाकर हम आप लोग के सामने लाइव कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।